हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ब्रिक्स बीट्स बॉन्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे मैप्स क्लासेस हैं, सो मैप में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा, तो यहाँ पे मैप में हड़प्पा आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, रावी नदी के किनारे देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हड़प्पा देखने को मिलेगा रावी नदी के किनारे। किसके द्वारा एक्सकवेट किया गया था? दयाराम सहनी के द्वारा एक्सकवेट किया गया था 1921 में। फर्स्ट पार्ट में हमने, जो अभी दो पार्ट हम ख़त्म करके हटे हैं, फर्स्ट चैप्टर के वहाँ पे मैंने बताया था किस प्रकार से याद रखना। सबसे पहले दयाराम सहनी ने, ठीक है, जॉन मार्शल के अंडर काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दयालु था। जैसे वो काम कहते थे वैसे इनके द्वारा काम किया जाता था, अपनी श्रद्धा अनुसार दया से काम करते थे, दयालु थे। तो ठीक है, यहाँ पर याद रख सकते हैं, सबसे पहले एक्सकवेट दयाराम सहनी ने किया था। तो रिवर नदी के किनारे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए पोर्टर्स व्हील, जो कुम्हार का एक पहिया होता है, ठीक है, चाक जिसे बोलते हैं। मदर गोडेस स्टैचू यहाँ पे देखने को मिलेगा, मातृ देवी की मूर्ति, और वुडन कॉफिन, जो यहाँ पर जो कॉफिन होता है लकड़ी का, वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे RH-37 का यहाँ पे सीमेंट्री, मतलब कब्रिस्तान देखने को मिलेगा, इसे यहाँ पे ताबूत बोला जाता है, ठीक है। कॉफिन यहाँ पे जो अंग्रेज लोग दफनाते हैं ना, यहाँ पे लकड़ी का जो ताबूत होता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक कहानी है जिसके जरिए आप यहाँ पे इसे याद रख सकोगे, वो कहानी क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक कुम्हार का काम क्या होता है कि यहाँ पे मिट्टी की कई कई चीज़ें यहाँ पे बना दी जाती हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे कुम्हार के द्वारा यहाँ पे चौक के ऊपर सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति को बनाया गया। मूर्ति बनाने के बाद उसे कहाँ पे रखा गया? ताबूत में रखा गया। ताबूत को कहाँ पे रखा गया? कब्रिस्तान में रखा गया। उसके ऊपर यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह लगा दिया गया, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पे आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। जस्ट एक कहानी है जिसके जरिए आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। किसी भी यहाँ पर आप लोगों ने धर्म या उसके साथ यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद क्या है, इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। याद तभी रह पाएंगी जब हम एक कहानी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे एक कहानी को बुनेंगे, तभी हम उसे याद रख पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे याद नहीं रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी पता लग गई। सबसे पहले कुम्हार ने क्या करा, जो चौक था उसके ऊपर एक मूर्ति बनाई, मातृ देवी की मूर्ति बनाई, उसे कब ताबूत में रखा, ताबूत को कहाँ पर रखा, कब्रिस्तान में रखा, उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहाँ पर मिली? हड़प्पा में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन ये हम जब UPSC की वीडियो में डालूंगा, वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लकड़ी की ओखली देखने को मिलेगी, अन्नागार बहुत यहाँ पे वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे अभी इतना सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, ठीक है, अगले साल 1922 में RD बैनर्जी के द्वारा इसे एक्सकवेट किया गया था। ये सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो हमने सबसे पहले हड़प्पा के बारे में देखा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके जस्ट यहाँ पे नीचे, हल्का नीचे, इसके चन्नोदारो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, चन्नोदारो। और यहाँ पे याद रखना कि पाकिस्तान में जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे किसी भी नाम में यहाँ पे कोट लगा हुआ है या दारो लगा हुआ है, तो याद रखना ये सारी साइट्स कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये सारी साइट्स आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, ठीक है। कोट दारो से, जैसे मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये भी कहाँ पे है? दारो पाकिस्तान में है। चन्नू दारो, ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। कोट से यहाँ पे जैसे कोट दीजी, ठीक है, ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? पाकिस्तान में। यहाँ पर बाला कोट हो गया, ठीक है, बाला कोट, ये भी कहाँ पर देखने को मिलेगा? पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। कोट वाली चीज़ें पाकिस्तान में, दारू वाली चीज़ें सारी पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंधु नदी, सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी यहाँ पे सिटी देखने को मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कौन सी? मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगी। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी यहाँ पर साइट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बार बार देखना पड़ रहा है, एक्चुअली मैं यहाँ पे वीडियो दो बार बना चुका हूँ, लेकिन इसकी ब्राइटनेस है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वीडियो की। जब ब्राइटनेस बढ़ जाती है तो यहाँ पे दिखता नहीं है ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देख रहा हूँ। अभी आधी वीडियो बनाऊँगा, फिर यहाँ पर चेक करूँगा, दूसरी आधी वीडियो बना के दोनों को मर्ज करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर आधे आधे घंटे की वीडियो बनी, टाइम बहुत वेस्ट हो गया, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो, ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा यहाँ पे एक माउंड ऑफ द डेड देखने को मिलेगा, मतलब कि एक मृतकों का टीला देखने को मिलेगा। 300 मूवी देखी होगी स्पार्टन्स, यहाँ पे क्या करते हैं ग्रीस के साथ जो युद्ध होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे वो 300 की संख्या में होते हैं, वो 20,000 की संख्या में होते हैं, यहाँ पे मार काट के यहाँ पे फेंका जाता है, ठीक है। वो भी क्या करते हैं कि टीला बना देते हैं यहाँ पे डेड बॉडीज़ का, यहाँ पे भी सेम यहाँ पे मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो मूवी आई थी यहाँ पे, एक हिंदी बॉलीवुड मूवी, ठीक है। तो मृतकों का टीला यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या यहाँ पे पाया गया है। तो यहाँ पे वेल्स, ठीक है, जो कुएं हैं घरों में पाए गए, मोहनजोदड़ो में बताया था 700 से ज़्यादा आसपास, स्विमिंग पूल, ठीक है, ग्रेट बाथ जिसे बोला जाता है मोहनजोदड़ो में, पशुपति शिवा, ठीक है, इनकी भी मूर्ति यहाँ पे पाई गई है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, नृत्य करती हुई लड़की, ये भी यहाँ पे पाई गई है, ग्रेनरी अन्नागार, ठीक है, जहाँ पे अन्न को स्टोर करके रखते हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे, ये भी मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कहानी बनाते हैं, कहानी के जरिए आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पे याद रख पाओगे। कहानी क्या है कि पशुपति शिवा की जो मूर्ति है उसे कहाँ पे रखा गया, स्विमिंग पूल में रखा गया। जैसे बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी में वो क्या करता है कि जो यहाँ पे शिवलिंग होता है उसे कहाँ पे रख देता है, झरने के नीचे रख देता है कि सारा समय पानी पड़ता रहे यहाँ पे, 24 घंटे यहाँ पे शिवलिंग अपने आप नहाता रहे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे जो एक लड़की है उसने क्या करा, पशुपति शिव की मूर्ति को स्विमिंग पूल में रखा और उसने यहाँ पे खूह से पानी निकालना शुरू किया, खूह से पानी निकालती थी शिव जी के ऊपर यहाँ पे डालती थी, ठीक है, यहाँ पे नहलाने के लिए स्विमिंग पूल में। उसके बाद यहाँ पे इस लड़की ने क्या करा, नृत्य किया यहाँ पे। नृत्य करने के पश्चात इसने थक गई थी बहुत ज़्यादा, खाना फिर इसने खाया, ठीक है, अन्नागार मतलब खाना खाया, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी क्या हुई, पहले यहाँ पे खूह से पानी निकाला, स्विमिंग पूल में क्या थी, शिव पशुपति शिव की मूर्ति थी वहाँ पे नहलाया, फिर यहाँ पे नृत्य किया, नृत्य करने के पश्चात इसने खाना खाया, ठीक है, अन्नागार। तो ये हमारी ट्रिक है, वेल्स इन दी हाउस मिले, लार्ज स्विमिंग पूल या ग्रेट बाथ मिला, पशुपति शिव, ब्रॉन्ज डांसिंग कर्ल, कांस्य की नृत्यिका करती हुई लड़की और ग्रेनरी बहुत बड़ी, ये मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो याद आया, समझ में आया, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदारो के बारे में अभी हम जान लेते हैं। चन्नूदारो, तो चन्नूदारो यहाँ पे 1931 में इसे एक्सकवेट किया गया था, चन्नूदारो को एक्सकवेट 1931 में किया गया था। तो यहाँ पे ये भी सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलेगा, ये भी सिंधु नदी, ये रावी नदी के किनारे था, ठीक है। तो यहाँ पे चन्नूदारो यानी कि याद कैसे रखोगे, चांद सी दुल्हन, यहाँ पे सभी कहते हैं ना घर में कि हाँ मेरे बेटे की चांद सी दुल्हन आएगी, चांद सी दुल्हन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे चांद सी दुल्हन आएगी तो मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा करेगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेकअप करेगी, तो यहाँ पे मेकअप का मटेरियल यहाँ पे चन्नूदारो में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सो चांद सी दुल्हन आएगी तो मेकअप डेफिनेटली करेगी, एक एक किलो मेकअप अपने ऊपर लगाएगी वो, तो मेकअप लगाएगी, तो ये सारा सामान आपको चन्नूदारो में देखने को मिलेगा, ठीक है। मेकअप मटेरियल चन्नूदारो में, लिपस्टिक हो गया, शीशा हो गया, मोती हो गया, डोल हो गया, नीडल हो गया, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें चन्नूदारो में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। याद किस प्रकार से, ये ट्रिक समझ में आई, चन्नूदारो चांदसी बहू आएगी यहाँ पे घर पे, ये याद नहीं रखना कि कब एक्सकवेट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे साइट्स पाई गई हैं उनके यहाँ पे चारों ओर क्या होता था, यहाँ पे किला होता था, यहाँ पे अंदर घर होते थे, यहाँ पे घर हैं, ठीक है, यहाँ पे घर हैं, और यहाँ पे किलाबंदी कर दी जाती थी, मतलब कि सुरक्षा कवच एक यहाँ पे बना दिया जाता था, यहाँ पे एक एंट्री गेट होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चन्नूदारो अब यहाँ पे चांद सी बहू लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने सुरक्षा कवच नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो चन्नूदारो है यहाँ पे ये फोर्टिफिकेशन मतलब कि किलाबंदी दुर्ग यहाँ पे नहीं बनाते हैं, दुर्ग नहीं बनाते हैं चन्नूदारो में, ठीक है। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया था, कोई लोग कहाँ से आ रहा है सामान खरीदने के लिए, कोई बेचने के लिए कहाँ से आ रहा है, कोई खरीदने के लिए कहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहे हैं, तो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दुर्ग नहीं बनाया गया चन्नूदारो में, ठीक है। तो ये याद रखना, इंडस्ट्रियल एरिया था, दुर्ग रहित था, यहाँ पे नॉन फोर्टिफाइड था मटेरियल वगैरह, ये मेकअप का सामान, ठीक है, चांद सी बहू आएगी तो मेकअप तो बहुत ज़्यादा थोपेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे, चन्नूदारो में देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ में आया चन्नूदारो का केस, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पाकिस्तान में
सबसे यहाँ पे आपको वेस्टर्न मोस्ट यहाँ पे सुतका गेंडोर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था आपको। और यहाँ पे आपको बालाकोट देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बालाकोट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको कोट दीजी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कोट दीजी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट्स हैं जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। पाकिस्तान की यहाँ पे कोट प्लस दारो सारे पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान की समझ में आई होगी। यहाँ पे देख लेते हैं, ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज तो नहीं हो रही, चलिए देखते हैं, बना लेते हैं एक बार वीडियो। अब जैसी भी वीडियो बनी डाल देंगे YouTube पे, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना अगर ब्राइटनेस इसकी कमियाँ ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मैं वीडियो तीसरी बार बना रहा हूँ, यहाँ पे 25-25 मिनट की वीडियो यहाँ पे बन रही है ये मैप की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैनेज कर लेना इस बार जैसी भी बनी ये, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये ज़्यादा यहाँ पे ब्राइटनेस है, यहाँ पे वाइट बोर्ड है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी ज़्यादा रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने और ज़्यादा कम कर दिया इसकी ब्राइटनेस, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान हम देख चुके, अब हम आते हैं भारत में। भारत में जम्मू कश्मीर का एरिया यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे मंडा देखने को मिलेगा, बुर्ज होम देखने को मिलेगा, ये साइड्स नहीं है यहाँ पे पंजाब की साइड्स, यहाँ पे रोपड़ नहीं है। रोपड़ में आपको देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति के साथ में जब वो मर जाता है उसका जो कुत्ता होता है, ठीक है, उसे भी साथ में दफना दिया जाता है यहाँ पे। इस प्रकार की यहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस रोपड़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी पंजाब में, ठीक है। पंजाब है नहीं तो इससे भी हम नहीं देखेंगे, हरियाणा है, पंजाब के नीचे हरियाणा देखने को मिलेगा। तो हरियाणा में दो साइड्स आप लोगों ने याद रखनी है, एक याद रखनी है बनवाली याद रखनी है, और दूसरी यहाँ पे राखीगढ़ी याद रखनी है, ठीक है। राखीगढ़ी और बनवाली, ठीक है, ये दो साइड्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। बनवाली से क्या याद रखोगे, इन्हें बनाना कुछ नहीं आता था। बनवाली से क्या याद रखोगे, इन्हें बनाना कुछ नहीं आता था, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो इन्हें ड्रेनेज सिस्टम बनाना आता था, ठीक है, पानी की जो निकास की क्रिया होती है वो बनाना नहीं आता था, इन्हें सड़कें बनाना नहीं आता था, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी बना देते थे यहाँ पे, ठीक है। सो बनवाली ड्रेनेज सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं थी, सड़कें की कोई नॉलेज नहीं थी, तो याद रखना। तो यहाँ पे अब पहले के समय में यहाँ पे क्या होता था ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो घर थे, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं था, नालियाँ वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, ये क्या करते थे, घर के साथ में ही यहाँ पे दो खड्डे यहाँ पे जैसे खोदे, इसमें यहाँ पे पानी यहाँ पे डाल दिया जाता था, जो भी वेस्ट वगैरह होता था, ठीक है। जब एक खड्डा भरता था तो यहाँ पे दूसरे में इसे पाइप को एक्सटेंड करके दूसरे में गिरा देते थे, इतने को ये सूख जाता था तो वो भरते थे, वो सूखता था वो भरते थे, इस प्रकार से लगा रहता था, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें सोखता बोला जाता है, ब्लोटिंग बोला जाता है, ठीक है। इन्हें तो घर में ही यहाँ पे पाए जाते थे, जैसे कि आज के समय में क्या है कि यहाँ पे सीवरेज सिस्टम है, तो घर का सारा वेस्ट मटेरियल मतलब टॉयलेट से कनेक्ट करके सीवरेज में जा रहा है, नहा रहे हैं, ठीक है, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ये सारा पानी कहाँ पे जा रहा है, सीवरेज में जा रहा है। मतलब कि आप इसे कंपैरिजन ड्रेनेज सिस्टम से कर सकते हो, लेकिन पहले के समय में जब सीवरेज सिस्टम यहाँ पे नहीं थे, ठीक है, कुछ साल पहले की बात है, कुछ गांव में अभी भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एक अलग से यहाँ पे टैंक या खड्डा, ठीक है, या कुई बोलते हैं जैसे कुई, वो यहाँ पे पटवा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 15 से 20 फुट यहाँ पे घर के पास में ही, जो भी टॉयलेट का सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे जाता है, कुई में जाते हैं, ठीक है। ये 15 से 20 फुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कहाँ तक मेली यहाँ पे ये जो खुदाई करते हैं यहाँ पे टैंक जो बनाते हैं, कुआं बनाते हैं कुई, तो जहाँ तक यहाँ पे रेता दिखता है ना, रेत जो रेत होता है ना, जहाँ पे रेत दिखना शुरू हो गया तो 2-3 फुट रेत तक यहाँ पे खोदते हैं। रेत क्या करता है कि जो पानी आता है ना, रेत उसे सोख के वो यहाँ पे नीचे जगह भेज देता है यहाँ पे, ठीक है, जो रेत होता है वो पानी को सोख के नीचे भेज देता है। तो यहाँ पे जो टैंक है इसके यहाँ पे लाइफ टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेत तक नहीं लेके जाएंगे, ऊपर तक ही लेके जाएंगे, तो फिर ये 3-4 महीने में बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोख इसके सोखने की भी तो जगह चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे बनाया जाता है ये जो टैंक वगैरह घर के पास में बनाए जाते हैं, टॉयलेट्स वगैरह का जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पे डालने के लिए, ठीक है। तो आज के समय में चलो कुछ जगह देखने को मिलेंगे, गांव में देखने को मिलेंगे जहाँ पे सीवरेज नहीं पहुँचा है,
ठीक है, तो ये समझ में आया। तो एक प्लो हल देखने को मिलेंगे, टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा के मतलब जो मिट्टी के खिलौने होते हैं तो उनसे बनाए जाते थे यहाँ पे हल। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कहाँ पे, बनवाली में देखने को मिलेंगी, ठीक है। बनवाली समझ में आया, मतलब इन्हें बनाना वगैरह नहीं आता था, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद राखी गढ़ी देख लेते हैं। राखी गढ़ी भी यहीं पे है, तो हरियाणा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले क्या था कि जो धोलावीरा था यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पे आपको धोलावीरा देखने को मिलेगा, ठीक है। धोलावीरा यहाँ पे सबसे बड़ी साइट हुआ करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। सबसे बड़ी साइट हुआ करती थी यहाँ पे, ये वाला सारा एरिया यहाँ पे कवर किया करता था यहाँ पे भारत का और पाकिस्तान का, ठीक है। ये वाला एरिया धोलावीरा का कवर करता था। लेकिन यहाँ पे अभी लेटेस्ट डिस्कवरी किसकी हुई है, राखी गढ़ी की। ये सबसे बड़ी साइट है किसकी, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जाता है, राखी गढ़ी हरियाणा में देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट और लेटेस्ट साइट आपको देखने को मिलेगी ये हरियाणा में, ठीक है। तो आपको समझ में आया, पाकिस्तान का देख लिया, हरियाणा का देख लिया। अभी हम नीचे मूव करते हैं यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में आपको नीचे देखने को मिलेगा कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कालीबंगा। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा राजस्थान में है। तो कालीबंगा इसका मतलब क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है। तो ब्लैक क्ले बैंगल्स, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, तो इसका मतलब ये होता है सरस्वती नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो बैंगल्स ऑब्वियस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्लो फील्ड जोते हुए खेत देखने को मिलेंगे, हवन कुंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। गाना सुना होगा यहाँ पे, हवन करेंगे, हवन करेंगे कहाँ पे करेंगे, राजस्थान में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, कालीबंगा में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, कुंड, ठीक है। कैसे कुंड याद रखना, कैसे कालीबंगा याद रखना, ठीक है। हवन कुंड कहाँ पे मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। बैंगल्स कहाँ पे मिली है, कालीबंगा में मिली है। और यहाँ पे क्या मिला है, जोता हुआ खेत मिला है राजस्थान में। यहाँ पे क्या है, एक रेगिस्तान है, यहाँ पे रेती रेत है यहाँ पे, इसलिए वो क्या करते थे, खेतों को पहली जोत के रख देते थे, ठीक है। कि जब यहाँ पे टाइम मिलेगा हम यहाँ पे खेती कर लेंगे। यहाँ से याद रख लेना, जोते हुए खेत भी कालीबंगा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कालीबंगा समझ में आया। चलिए अब हम मूव करते हैं गुजरात। गुजरात यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं धोलावीरा के बारे में। सबसे पहले धोलावीरा के बारे में जान लेते हैं। धोलावीरा यहाँ पे गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले, ठीक है, पहले बड़ी साइट हुआ करती थी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। मैंने बताया था सब पहले, अभी राखी गढ़ी है, पहले धोलावीरा हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ पे हम सुरकोटदा के बारे में देख लेते हैं। सुरकोटदा ये जो बुर्ज वाला एरिया है ना, यहाँ पे आपको सुरकोटदा देखने को मिलेगा, ठीक है। सुरकोटदा ये जो बुर्ज वाला एरिया है राजस्थान में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो ज्योग्राफी के मैप्स होते हैं, यहाँ पे जितना भी नक्शा सारा रटवा दूंगा, ज्योग्राफी के क्लासेस शुरू होने दो, तब हम यहाँ पे देखेंगे मेन मेन चीज़ें, ठीक है। तो सुरकोटदा समझ में आया। यहाँ पे क्या क्या पाए गए हैं, अर्न बरियल्स पाए गए हैं, हॉर्स बोन पाए गए हैं। किस प्रकार से याद रखोगे, मतलब कि यहाँ पे कलश में शव पाए गए हैं। यहाँ पे ये जो कलश था, कलश में यहाँ पे शव पाए गए हैं। कलश में क्या पाए गए हैं, शव पाए गए हैं। तो किस प्रकार से याद रखोगे, सर को कहाँ पे रखा गया है, कटोरे में रखा गया है। तो या आप इसे कटोरा बोल सकते हैं, इसे आप कटोरा बोल सकते हैं। तो कटोरे में क्या रखा गया है, शव को रखा गया है, या सर को रखा गया है। सर को कोटड़े में रखा गया, कटोरे में। सर को कोटड़े में रखा गया, सर को कटोरे में रखा गया, कटोरा, ठीक है, सर को कटोरे में। तो यहाँ पे सर कोटड़ा याद रख सकते हैं। अर्न बरियल्स यहाँ पे, ठीक है, अर्न बर्तन को बोलते हैं, कटोरे को बोलते हैं। कलश शब्दां देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी सुरकोटदा में, ठीक है। समझ में आया सुरकोटदा का। उसके बाद चलिए मूव करते हैं लोथल। लोथल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है यहाँ पे। लोथल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो एरिया है लोथल, ठीक है। लोथल आपको ये वाला एरिया देखने को मिलेगा। लोथल बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे है। यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पानी देखने को मिलेगा यहाँ पे, पानी देखने को मिलेगा यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपको किश्तियाँ वगैरह देखने को मिलेगी, दूसरे देशों के साथ यहाँ पे व्यापार देखने को मिलेगा लोथल में। और यहाँ पे याद रख सकते हैं, याद के जेन्युइन सी बात है, यहाँ पे पोर्ट देखने को मिलेगा बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ पे देखने को मिलेगा, लोथल में, बिल्कुल किनारे के ऊपर है। और यहाँ पे डॉक यार्ड भी देखने को मिलेगा। डॉक यार्ड क्या होता है, जहाज बनाने का जो स्थान होता है, ठीक है। डॉक यार्ड क्या होता है, जहाज बनाने का जो स्थान होता है। ये भी कहाँ देखने को मिलेगा, लोथल में देखने को मिलेगा, ठीक है।
और यहाँ पे राइस हश्क देखने को मिलेगा। राइस हश्क क्या होता है, मतलब कि जो चावल का छिलका होता है लोथल में, और यहाँ पे साथ में आपको एक रंगपुर देखने को मिलेगा। ठीक है, लोथल रंगपुर दोनों में क्या होता है, राइस हश्क देखने को मिलेंगे। राइस हश्क लोथल में भी, रंगपुर में भी, लोथल में भी, रंगपुर में भी, ठीक है, दोनों साथ में है तो चावल के छिलके ऑब्वियस है यहाँ पे साथ में तो पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो लोथल है ये एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था ओमन से। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ओमन के बारे में भी देखा था। ओमन हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, यूएई, सऊदी अरेबिया, अलग अलग जगहों से, ठीक है, लोग यहाँ पे आते थे व्यापार करने के लिए लोथल में। तो यहाँ पे एक आपको डाइवर्स कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, साथ में खा पी रहे हैं, साथ में वाद विवाद कर रहे हैं, उनका बुद्धि का स्तर बढ़ रहा है यहाँ पे। जैसे अगर हम आज के समय में देखें दिल्ली, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, अलग अलग यहाँ पे जगहों से आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड एरिया देखने को मिलेगा, डाइवर्स यहाँ पे कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, दिल्ली में तो यही यहाँ पे हाल था लोथल का। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ पे इनका जो लेवल था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। यहाँ पे सभी साथ में खाया पिया करते थे, यहाँ पे वाद विवाद किया करते थे। तो इसी से यहाँ पे याद रखना कि जो कपल बरियल्स हैं, ठीक है, मतलब कि दो जनों को साथ में दफनाना, वो कहाँ पे पाए गए हैं, वो लोथल में पाए गए हैं। ठीक है, कपल बरियल्स कहाँ पे पाए गए हैं, ये लोथल में पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ को दर्शाता है, सती प्रथा को दर्शाता है। सती में क्या होता था, पति की मृत्यु होगी, साथ में औरत को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, बहुत ही यहाँ पे गलत प्रथा थी उस समय में। ठीक है, ऐसे हम आगे देखेंगे जब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कपल बरियल्स कहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी लोथल में। ठीक है, तो कपल्स यहाँ पे आप याद रख सकते हैं लोथल में। उसके बाद रंगपुर, ठीक है, साथ में ये क्या है, राइस हश्क। ठीक है, और यहाँ पे ये चार साइट्स होगी गुजरात की। एक साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी नागेश्वर। ठीक है, नागेश्वर, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था नागेश्वर बालाकोट यहाँ पे शेल कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, और यहाँ पे नागेश्वर बालाकोट शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए फेमस थे। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, अभी आपने पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाउनलोड करके वेबसाइट के ऊपर जाके, उसमें मैंने एक पेज में यहाँ पे सब कुछ कवर किया हुआ है, आधे पेज में ये आपको नोट्स दिए जाएंगे पीडीएफ में, और यहाँ पे आधे में आपको इंडिया का, भारत का खाली नक्शा दिया जाएगा। ये नक्शा आप लोगों ने अभी यहाँ पे भरना है पेज को यहाँ पे डाउनलोड करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अभी इसको। सबसे पहले पाकिस्तान का देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे हड़प्पा का देखा था, यहाँ पे रावी नदी के किनारे था। उसके बाद हमने मोहनजोदड़ो का देखा था, ये सिंधु नदी के किनारे था। उसके बाद हमने चन्नूदारो के बारे में देखा था, ठीक है, ये भी सिंधु नदी के किनारे था। उसके बाद हमने यहाँ पे सुतका गेंडोर देखा था, यहाँ पे बालाकोट देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोट दीजी देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स सारी कहाँ पे हैं, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ पे कोट प्लस दारो, ये चीज़ें आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। क्लियर है, तो ये पाकिस्तान का हो गया। उसके बाद हरियाणा के आपने देखा, यहाँ पे बनवाली देखा, और यहाँ पे आपने राखी गढ़ी देखा। ठीक है, आर से राखी गढ़ी यहाँ पे देखा। उसके बाद आपने कालीबंगा को देखा, यहाँ पे कालीबंगा आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे धोलावीरा को देखा, उसके बाद यहाँ पे आपने लोथल को देखा, उसके बाद यहाँ पे सुतकोटड़ा को देखा, उसके बाद यहाँ पे आपने साथ में ही यहाँ पे रंगपुर को देखा, यहाँ पे आपने नागेश्वर को देखा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, अदरवाइज और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप इतना ही याद रखो, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो इसी के साथ ही यहाँ पे ये फिनिश होता है। सो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहीं पे आपको एक क्लास 12th की मैप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आज मैं बना दूंगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। नोट्स यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, www.upsexambhairavi.com, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।